अफसोसनाक वाकया जिला बड़गाम के कचवाड़ी इलाके से आ रहा है। आपको बता दूं कि जिला बड़गाम जो है इस वक्त खबरों में बना है, क्योंकि जिला बड़गाम के खानसाहिब इलाके के कचवाड़ी इलाके में जो है कल शाम गए कुछ अफराद जो है वो एक घर में घुसते हैं और वहां पर जो है एक जो 2 साल का बच्चा है उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर देते हैं। आपको बता दूं कि ये जो वाकया है ये जिला बड़गाम में पेश आया, जहां पर कल रात गए जो है एक घर में कुछ लोग घुसते हैं और वहां पर उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको उनका मुंह जो है पूरी तरीके से बंद करते हैं और उसके बाद जो है उनके घर में एक छोटा बेटा होता है जिसकी शिनाख्त जीशान के नाम पे की जा रही है, जो कि महज अभी 18 महीने का था। वो जो है वही बैठा हुआ था, खेल रहा था और वो जो शख्स आए थे उन्होंने जो है मुबैना तौर पर उसका कत्ल कर दिया, यानी चाकू से जो है उसका गला काट दिया और उसके बाद जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और जब उसकी फैमिली देखती है उनको जो है किसी और रूम में बंद कर देते हैं। जब वो देखते हैं तो वो जो है पुलिस को खबर करते हैं और ये न्यूज़ जो है सुबह से ही सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि ऐसा वाकया जो है बड़गाम में पेश आया। वही अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर मर्डर केसेस जो है वो आम हो गए हैं और लगातार जो है पिछले कई दिनों से हमने देखा कि ऐसे मामले जो है सामने आ रहे हैं। वही अगर हम जिला बड़गाम की बात करें तो जिला बड़गाम जो है हमेशा ऐसे ही खबरों में बना रहता है कि रोज ब रोज जिला बड़गाम में ऐसे खबरें जो है गर्दिश करती ही रहती है। वही अगर हम आज की बात करें तो आज जो है फिर से जिला बड़गाम खबरों में बना हुआ है, क्योंकि वहां पर जो है कल रात गए कुछ लोग एक घर में घुस जाते हैं और वहां पर जो है 2 साल का एक छोटा बेटा होता है जो कि खेल रहा होता है और उसका जो है मुबैना तौर पर कत्ल कर देते हैं। आखिर इस 2 साल के बेटे की क्या गलती थी, ऐसा क्या हुआ कि वो शख्स जो है वो इसके घर आ जाते हैं और इसके जो बेटे होते हैं उनका कत्ल कर देते हैं। अब पुलिस ने जो है इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है और बाकी भी इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है कि क्या आप उनको जानते थे, ऐसा क्यों हुआ। वही अगर हम इस बच्चे की बात करें तो फिलहाल जो है इसको मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए हॉस्पिटल लिया गया है और उसके बाद जो है इसको इसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो शख्स है कि वो वहाँ पर आए और इन्होंने जो है इस छोटे से बेटे का कत्ल कर दिया, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। अब देखते हैं कि पुलिस इस जमन में क्या कुछ बोलती है, वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत। आप हिना शबीर के साथ देखते रहे जम्मू लद्दाख विजन श्रीनगर।